नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि हम इस वक्त पाकिस्तान के हसीन तरीन उस गुलशन पार्क में हैं, जिस गुलशन पार्क में दुश्मन बदबख्त, बद किरदार, बदबूदार और जो अब इसकी माँ ने तो एक इंसान जन्म दिया लेकिन वो दरिंदा बन गया, उसने इसको खून में नहलाया। लेकिन ये आप जरा गौर फरमाइए कि इस कौम के हौसले कितने बुलंद है, आज उससे भी ज्यादा होने के। वो इस दीवार पार्क की दीवारों के ऊपर जो खून के छींटे हैं, ये दर अफसुदा है, ये परिंदे अफसुदा हैं, ये फिजाएं अफसुदा हैं। लेकिन मुझे ये जान के इंतहाई खुशी है, हमें ये आपको बताते हुए मसरत हो रही है कि कौम कितनी बहादुर है। दुख अंदर है लेकिन ये बाहर महसूस नहीं होने दे रहे कि यहाँ क्या हो गया, यहाँ कोई हादसा हुआ था। आइए हम एक नौजवान से पूछते हैं कि वो आज यहाँ मौजूद हैं जहाँ कल ही क़यामत गुज़री है, उनको खौफ नहीं आया कि दहशतगर्द फिर आ सकते हैं? कैसे हैं आपको जरा खौफ नहीं आया कि पिछले ही हफ्ते कल ही यहाँ क़यामत गुज़री है और आज आप सारी फैमिली के साथ यहाँ फिर घूम रहे हैं? क्या कहेंगे आप? खौफ तो काफी आया था कि जब मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा तो साथ साथ कैमरा घुमाते रहे ताकि आपको वो लोगों की चहल कदमी दिखाएं, परिंदों की चहल कदमी दिखाएं जो अफसरदा दूर हैं लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। दरिंदा भी जो है वो भी माफ कर देता है, मासूम जानवरों को वो भी कुछ नहीं कहता, इन सब तो अल्लाह का नाम है। इंशाल्लाह ये दफाओ बर्बाद होंगे, इस्लाम का कानून दहशतगर्दों से नहीं है, मुसलमान का कानून दहशतगर्दों से नहीं है कि वो दहशतगर्द अपने आप को मुसलमान। यहाँ पे तो एक मक्खी को भी गंजा बहुत बड़ा ताकतवर नहीं है और बहादुर बनने बैठे हैं, उनको चाहिए कि पीछे से वादा करें, फेस टू फेस है हमारी, बच्चे खड़े खड़े इनका मुकाबला करें। नाज़रीन आप जरा गौर फरमाएं, इस सरदारुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम फॉलोअर हैं, बताइए कहाँ लिखा है कि कहीं आपने दुश्मन को बना दिया है, आपने यहूदियों को मस्जिद नबी में ठहरा दिया है, कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं, कौन से दीन का प्रचार कर रहे हैं, कौन से मुसलमान हैं? इस माँ ने आपको कलमा पढ़ाया कि आप मुसलमान हो, आप मुसलमान नहीं, आपका कोई दीन नहीं, आप क्रिश्चियन नहीं, आप यहूदी नहीं, आप सबसे गिरी हुई कोई गंदी नस्ल के इंसान हो, इंसान भी नहीं, एक घटिया तरीन कोई मखलूक ऐसी है जो इंसानों का कत्ल करती है। हमारे साथ ये मिलते हैं एक छोटे से वक्त के बाद, शुक्रिया।